गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ SGOI. इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज 6B ऑफ परसेंटेज एंड वी हैव सॉल्वड क्वेश्चन नंबर 3. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 एंड फर्दर. इन क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 दे आर क्वाइट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. सो आई होप यू कैन सॉल्व दीस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल गेट अ PDF एज वेल ऑफ दीस क्वेश्चंस. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, let's discuss this. In question number 7, it is being told Renu reduced her weight by 15%. If now she weighs 52.7 kg, what was her earlier weight? Okay, तो earlier weight मतलब original weight की बात कर रहा है. तो assume कर लेते हैं, let earlier weight is equal to 100. We can assume that earlier weight was equal to 100. और उसने वेट में रिड्यूस किया है बाय 15%. तो वेट रिड्यूस्ड इज इक्वल टू 15%. और इसको नंबर में अगर चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल से 15% कम करना है. दैट मीन्स 100 माइनस 15% ऑफ 100. ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 100 ही है. तो इज इक्वल टू 100 माइनस 15 अपॉन 100 इनटू 100. तो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट कि अब 100 से उसका वेट कम हो गया, कितना हो गया है, 85. ठीक है, और वेट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 52.7 kg. इसका मतलब इट इज सेम कि जो 85 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 52.7 kg. हमें क्या चाहिए, ओरिजिनल वेट चाहिए या अर्लियर वेट चाहिए, मतलब हमें 100 की वैल्यू चाहिए. अगर 85 की वैल्यू 52.7 kg के इक्वल है तो 1 की वैल्यू कितनी, किसके इक्वल होगी, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे तो 52.7/85 करेंगे. ठीक है, तो 1 की वैल्यू हो गई 52.7/85 and we are required to find the value of 100. So 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और यही क्या है, ओरिजिनल वेट. यही क्या है, ओरिजिनल वेट हो जाएगा 52.7/85 मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, वी कैन रिड्यूस इट बाय 5. सो 5 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, और यहां से 20. 17 से डिवाइड कर सकते हैं 52.7 को, विल गेट 17 × 17, 17 × 3 = 51, डेसिमल आएगा, 17 × 17. तो 31 × 20, तो ओरिजिनल वेट किसके इक्वल हो जाएगा, 33.1 × 20, सो विल बी 62 kg. तो ओरिजिनल वेट जो था ऑफ रीनू दैट वाज इक्वल टू 62 kg. ओके, let's move further. Question number 8 and 9 are quite similar. This means basic concept लगना है, फिर आप अपने आप से try करेंगे. Let's move to question number 10. Question number 10. In question number 10, it is saying the price of an article is increased by 25%. By how much percent must this new value be decreased to restore it to its former value? बोले कह रहे हैं एक आर्टिकल है, उसका प्राइस 25% इंक्रीज कर दिया गया, तो अब उस इंक्रीज प्राइस को कितना परसेंट कम कर दें कि ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच जाए. ठीक है, 100 से कर सकते हैं इसको, तो लेट करेंगे, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज इक्वल टू 100. हमें लेट कर लिया ओरिजिनल प्राइस जो था आर्टिकल का दैट इज इक्वल टू 100. ठीक है, और इसको क्या किया गया है, 25% इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज्ड प्राइस. इंक्रीज करने के बाद प्राइस कितना हो गया, तो 100 में से 100 को कितना इंक्रीज करना है, 25%. दैट मींस 100 में आप उसी का 25% ऐड कर देंगे. 25% मतलब कि
25/100 और उसी नंबर का मतलब 100 का ही 25% ऐड करना है, तो यू विल गेट 100 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 125। मतलब 100 जो प्राइस था आर्टिकल का, अब वो 25% इंक्रीज होने के बाद कितना हो गया है, 125 हो गया है। और क्वेश्चन में बोला गया कि आपको बताना है कि इस इंक्रीज्ड प्राइस को कितना परसेंट कम कर दे कि वापस वो 100 पे पहुंच जाए। तो परसेंटेज निकालने से पहले आपको बताना चाहिए कितना वैल्यू कम कर दे, तो यू राइट टू गेट बैक टू ओरिजिनल वैल्यू, टू गेट बैक टू ओरिजिनल वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, 125 माइनस 100, मतलब कि 25 पीछे जाना पड़ेगा, है ना, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, दैट मींस वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस कितना है 25 करके, हमें 25 नहीं बताना, हमें बताना कितना परसेंट की कमी करनी है, तो लिखेंगे आप परसेंट चेंज या परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालने क्या करते हैं, चेंज को ऊपर रखते हैं और जहां से चेंज हो रहा है उसको डिनोमिनेटर रखेंगे। 125 से वापस जा रहे हैं 100 की तरफ, दैट मींस बेस क्या है 125, तो यू राइट हियर 125 और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 + 25 = 25, 5 = 5 and 5 = 20, that means 20%। ठीक है, एक आर्टिकल का प्राइस 25% बढ़ा तो 125 हो गया। अब इसको वापस पहुंचाना है 100 पे तो कितना परसेंट रिडक्शन करना पड़ेगा, तो पहले हम नंबर देखा कितना कमी करनी पड़ेगी 25 की, अब इस 25 का परसेंटेज कितना है, तो यू राइट 25 upon 125। यहाँ पे 100 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग 125 से 100 जा रहे हैं, तो बेस क्या होगा 125 होगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यू विल गेट 20% एंड दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 आपने आपसे ट्राई करेंगे, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चन नंबर 12 इट इज सेइंग द प्राइस ऑफ अ टी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट अ हाउसवाइफ शुड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द टी सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन द टी। इट इज सेइंग कि देयर इज अ हाउसवाइफ, ठीक है, और उसको बोला गया कि जो प्राइस होगा टी का वो 20% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोला गया कि 20% इंक्रीज होने के बाद फिर भी अगर उसको एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं चाहिए तो कंजम्पशन में कितना परसेंट की कमी कर दे, है ना, क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर आपको कांस्टेंट रखना है इसका मतलब है कि आपको कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, है ना, अगर रेट बढ़ रहा है तो कंजम्पशन आप कम करेंगे तभी जो है वो एक्सपेंडिचर सेम रह पाएगा, जो पहले खर्च हो रहा था अभी भी वही खर्च हो रहा है, इसका मतलब है कि आप पहले अगर ज्यादा यूज करते थे टी को तो अब कम यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसका रेट बढ़ गया है। ठीक है, तो वी विल बी राइटिंग लेट एक्स के जी ऑफ टी कॉस्ट इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, हमने लेट किया कि पहले क्या था कि एक्स के जी टी की जो कॉस्ट थी वो ₹100 थी। ठीक है, अब क्योंकि इंक्रीज हो गया है प्राइस कितना 20%, है ना, नाउ लिखेंगे ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस बाय 20%, क्योंकि 20% इंक्रीज हो गया है तो आप क्या लिखोगे, न्यू प्राइस ऑफ एक्स के जी टी। अब एक्स के जी टी की नई प्राइस कितनी होगी, That will be equal to 100 को इंक्रीज करना है कितना 120, मतलब 20%, that means 100 plus 20% of 100, that is equal to 100 plus 20 upon 100 multiplied by 100 and 100 will be reduced, you will get ₹120। मतलब 20% इंक्रीज होने के बाद x kg का जो प्राइस पहले 100 हुआ करता था अब वो x kg t का जो प्राइस हो गया है That has become 120, ठीक है? चलो। But हमें expenditure क्या करना है? Constant रखना है।
मतलब अगर पहले हम 100 रुपए खर्च कर रहे थे तो अभी भी मेरे पास 120 रुपए नहीं है, अभी भी मुझे 100 रुपए ही खर्च करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा कि अब x kg शुगर तो मिल नहीं पाएगी, अब उससे कम शुगर या टी मिलेगी, जो भी शुगर है टी, अब कम टी मिलेगी, तो वो कितनी कम मिलेगी वो आपको फाइंड करना है। तो यहां से आप लिख दोगे x kg का जो प्राइस है दैट इज इक्वल टू ₹120। x kg का जो प्राइस है दैट इज इक्वल टू ₹120। यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग, तो 1 kg का प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ 1 kg विल बी इक्वल टू, ऐसे हमको क्योंकि प्राइस के बेस पे बताना है ना, तो 120 प्राइस है कितना x kg शुगर का, ठीक है, क्योंकि हमें kg के फॉर्म में प्राइस के फॉर्म में बताना है। तो ₹120 का जो शुगर टी मिल रहा है वो 120 x kg मिल रहा है, तो ₹1 में कितना मिलेगा x अपॉन 120, ₹1 में कितना टी मिलेगा x अपॉन 120, तो हमें पास कितने रुपए हैं, ₹100 है, तो ₹100 में कितना मिलेगा x अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना, 0 से 0 एलिमिनेट होगा, 2 5 से 10 एंड 2 6 से 12, दिस विल गिव यू 5x अपॉन 6 kg शुगर। पहले आपको ₹100 में x kg शुगर मिल रही थी, ठीक है, और अब जो है ₹100 में आपको 5x अपॉन 6 kg मिल रहा है, ठीक है, डिफरेंस कितना आया, वी विल बी राइटिंग डिफरेंस, पहले x था और अब कितना हो गया 5x अपॉन 6 kg, तो डिफरेंस कितने का आया है, एलसीएम में सबट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 6x माइनस 5x अपॉन 6 kg दैट इज इक्वल टू x अपॉन 6 kg, है ना, डिफरेंस कितने का आ गया है, x अपॉन 6 kg का डिफरेंस आ गया है। तो हमें बताना है कि कितना परसेंटेज डिफरेंस आया है, तो आप लिखेंगे परसेंटेज डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस कितने का x अपॉन 6, कहां से x से, है ना, x अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट x अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया, ठीक है, x से x विल बी रिड्यूस्ड, यू विल गेट 100 अपॉन 6 एंड व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट 16 होल 2 अपॉन 3%। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट इफ द कॉस्ट ऑफ, और यू कैन से इफ द प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज्ड बाय 20% इन ऑर्डर टू मेंटेन द एक्सपेंडिचर यू आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कंजम्पशन बाय 16 होल 2 अपॉन 3%, ओके, so this is the solution for question number 12. let's move further and we'll be discussing now question number 18, because aur jo niche parts hain they are similar to question number 18 or question number 12. question number 18 Question number 18 is saying the population of a village increases by 7% every year. If the present population is 80,000, then what will be the population after 2 years? ठीक है, बोला जा रहा है एक विलेज है उसका पॉपुलेशन 7% हर साल इंक्रीज करता है, ठीक है, और अभी अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन है 80,000 की, तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, तो यू कैन से लेट The population given है ना, total population present, total present population total present population is equal to कितनी है 80,000, अभी जो population है that is 80,000, ठीक है, percentage change कितना हो रहा है 7% का, तो आप लिखोगे इंक्रीज परसेंट एवरी ईयर, हर ईयर जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है दैट इज इक्वल टू 7%, तो आप स्टेटमेंट लिखोगे पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, 80,000 तो पहले से ही थी, दैट वाज द इनिशियल पॉपुलेशन, और उसमें 7% का इंक्रीमेंट होगा,
और किस पे होगा 80,000 पे ही होगा, ठीक है। यू कैन एलिमिनेट दिस, दिस विल गिव यू 80,000 प्लस 800 मल्टीप्लाई 7 8 जा 56 और 00, मतलब एक साल में पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई 5,600, मतलब कि पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना हो गया, ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 85,600। दिस इज द पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट ईयर। अब क्या लिखोगे आप, पॉपुलेशन आफ्टर सेकंड ईयर, ये कितनी होगी, फिर से इस पॉपुलेशन को इंक्रीज करेंगे कितना 7%, यू विल गेट 85,600 प्लस 7/100 मल्टीप्लाई बाय 85,600, ठीक है। तो फिर से 00 एंड 00 एलिमिनेट हो जाएगा, यू विल गेट 85,600 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो यू विल गेट 7 6 42, 2 कैरी 4, 7 5 35 प्लस 4 39, 9 कैरी 3, 7 8 56 प्लस 3 59, दैट इज 5992। ऐड कर देंगे यहाँ पे 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 9 9, 6 प्लस 9 15, 5 कैरी 1, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, 1 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, तो आंसर विल बी 91,592। तो दो साल के बाद जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 80,000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 91,592 हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको हिंट दिया हुआ है तो आप उस हिंट का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज अ लिटिल बिट ऑफ लेंथी क्वेश्चन, आई वांट यू टू फोकस मोर हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल। In question number 20, it is saying in an election between two candidates, 10% of the voters did not cast their vote. In an election, you are being provided that 10% of the voters did not cast the vote. 10% of voters ke unhone vote hi cast nahi kiya, theek hai. Aage bola ja raha hai 10% of the votes polled were found invalid. 10% mein to vote nahi aaya, uske baad jo bache usme se bhi 10% logon ne kya kiya, ऐसे तरीके से वोट डाला कि उनका वोट काउंट ही नहीं हुआ, वो इनवैलिड हो गया। ऐसा होने के बाद वी हैव गॉट सम परसेंटेज ऑफ या सम वोट्स लेफ्ट, जो वोट लेफ्ट हुए उस लेफ्ट वोट्स में से विनर कैंडिडेट्स को 54% वोट्स मिले और ही हैज वॉन द इलेक्शन बाय 1620 वोट्स, और इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद पता चला कि जो विनर है 54% votes he has got and he has won the election by 1620 votes. The question is asking find the number of voters enrolled on the voter list. ठीक है? So we can say that question number 20, let the total voters is equal to 100. हमें लेट किया कि टोटल वोटर्स कितने थे, 100 थे, ठीक है। आउट ऑफ दीज 100 वोटर्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट द वोट, वोट्स विच वर नॉट कास्टेड, जो वोट्स कास्ट नहीं किए गए दे वर 10% ऑफ 100, क्योंकि 100 क्या है, टोटल वोट्स है, जो कास्ट नहीं हुए वो 10% थे किसके, टोटल वोट्स के। तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब है कि 10 वोट्स कास्ट नहीं किए गए अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल वोट्स कितने थे, 100 थे, तो वोट्स लेफ्ट कितने हुए, तो आप लिखोगे वोट्स लेफ्ट, वोट्स लेफ्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 10, that is equal to 90. जो वोट्स बचे वो कितने बचे, 90. अब इन बचे 90 वोट्स में भी 10% वोट्स इनवैलिड हो गए, तो आप क्या लिखोगे, इनवैलिड वोट्स, इनवैलिड वोट्स दैट इज इक्वल टू 10% ऑफ रिमेनिंग, मतलब 90 वोट्स, ठीक है।
तो दिस विल गिव यू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 90 दैट मींस 9 वोल्ट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ना 9 वोल्ट्स और वेस्ट हो गए दैट मींस अब वोल्ट्स कितने बचे वोल्ट्स लेफ्ट आर 90 माइनस 9 दैट मींस 81 वोल्ट्स अब बचे ठीक है आउट ऑफ 100 वोल्ट्स जो एकदम वैलिड वोल्ट्स हैं वो कितने हैं 81 है ठीक है आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स इन वैलिड वोट्स का 54% किसे मिला विनर को मिला तो आप अकॉर्डिंग टू दिस आप निकालोगे कि कितने वोट्स मिले विनर को तो आप लिखोगे वोट्स गॉट बाय द विनर विनर को वोट्स कितने मिले 54% ऑफ 81 का 54% तो यू विल गेट 54 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 81 ठीक है कुछ भी एलिमिनेट चाहे तो इसको आप चेंज कर सकते हैं बट हम ऐसे ही रखेंगे फ्रैक्शंस में तो जो वोट्स मिले विनर को कितने मिले 54 अपॉन 100 इनटू 81 वोट्स मिले अब हम लिखेंगे कि वोट्स अगर 54 अपॉन 100 81 का मिला किसको विनर को तो लूजर को कितना वोट मिला तो वोट्स गॉट बाय द विनर इज 54% ऑफ 81 दैट इज 54 अपॉन 100 इनटू 81 अब हम अगर 54% वोट मिले हैं विनर को तो लूजर को अल्टीमेटली कितने मिले होंगे 100% माइनस 54 दैट इज 46% ठीक है तो लिखेंगे वोट्स गॉट बाय द लूजर लूजर को कितने वोट मिले 46% मिले टोटल 100% ही होता है ऑफ 81 दैट इज इक्वल टू 46 अपॉन 100 इंटू 81 ठीक है अब क्वेश्चन में एक और कंडीशन दी हुई है कि जो विनर है वो कितने वोट से जीत गया है He has won by 1,620 वोट्स ठीक है इसका मतलब है कि इन दोनों के वोट्स का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है 1,620 वोट्स के इक्वल है तो हम लिख देंगे डिफरेंस इज इक्वल टू यहां से एक कंडीशन बन जाएगी इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे आप यू विल गेट 54 अपॉन 100 इनटू 81 माइनस 46 अपॉन 100 इनटू 81 और इसकी जो वैल्यू है वो 1,620 वोट्स के इक्वल इसको सॉल्व करेंगे तो ये 54% है 81 का और ये है 46% 81 का तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 8% ऑफ 81 8 अपॉन 100 इनटू 81 इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1,620 के इक्वल है ठीक है अगर इसकी वैल्यू 1,620 के इक्वल है हमें निकालनी है 100 की वैल्यू क्योंकि टोटल वोट्स हमने लेट कितने किए थे 100 लेट किए थे तो यहां से पहले हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे 1 की वैल्यू ठीक है इतने की वैल्यू 1,620 तो 1 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1,620 इनटू 100 अपॉन 8 इनटू 81 ठीक है 1 की वैल्यू हो गई 1,620 इनटू 100 अपॉन 8 इनटू 81 यूनिटरी मेथड का यूज हम लोग यहां पे कर रहे हैं हमें लेकिन 1 की वैल्यू चाहिए हमें चाहिए 100 की वैल्यू इसका मतलब 100 की वैल्यू किसके इक्वल है 100 विल बी इक्वल टू एक और बार 100 से मल्टीप्लाई 1,620 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 8 इनटू 81 और अभी भी मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा बिकॉज वी रिक्वायर द वैल्यू ऑफ 100 रिड्यूस करेंगे 81 बन गया 81 81 2 जा 162 और 0 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 2 से इसको करेंगे डिवाइड 2 1 जा 2 एंड 2 ये कितना आएगा फिर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 5 इनटू 50 इनटू 100 525 और 30 तो यू गेट 25000 सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द टोटल वोटर्स वर इज इक्वल टू 25000 पूरा एकदम इजी है लेकिन बस नीचे आपको थोड़ा यूनिटरी मेथड का यूज करना पड़ेगा ठीक है
So that is all for today, and this is the completion of your chapter percentage. In our next class, we'll be starting with a new chapter, that is profit, loss, and discount. Thank you.